इंडियंस का ना एक सवाल होता है जब भी वो सोचते हैं आउट ऑफ इंडिया जाने का, और वो ये होता है कि बाहर वेजिटेरियन खाना मिलेगा कि नहीं। अभी मैं हूँ फिलहाल श्रीलंका में, एंड मैंने सोचा कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसको मैं आंसर कर दूँ। तो आज पूरे दिन के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाने वाली हूँ। शुरुआत होगी ब्रेकफास्ट के साथ में, लंच एक बहुत ही स्पेशल जगह होने वाला है, और डिनर में देखते हैं क्या मिलेगा। आई एम श्योर बुफे है तो वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, बट वेजिटेरियन ऑप्शंस क्या मिलेंगे वो तो मुझे भी नहीं पता है, वी विल हैव टू फाइंड आउट। तो क्या आप श्रीलंका आके, अगर आप वेजिटेरियन हैं श्रीलंका आके, आप वेजिटेरियन खाना यहाँ पर आराम से ढूंढ पाएंगे, खा पाएंगे कि नहीं, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, चलिए इस वीडियो में इसी को आंसर कर देती हूँ। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या श्रीलंका में वेजिटेरियन खाने के ऑप्शंस मिलना आसान है या एक चैलेंज है? इसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैं पहुंची श्रीलंका के नॉर्थ सेंट्रल पार्ट के एक छोटे से शहर में जिसका नाम है हाबरना। ये अनुराधापुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहां मैंने विजिट किया था रामायण स्पेशल रितिगाला माउंटेन, जिसे संजीवनी बूटी वाला पहाड़ भी माना जाता है। और अगर आपने मेरा रितिगाला स्पेशल व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो स्क्रीन में ऊपर राइट साइड में दिए लिंक पे जाकर जरूर चेकआउट करिए। अनुराधापुरा सिगरिया माउंटेन के लिए भी बहुत फेमस है, जिसे इंडियंस रावण के सोने का महल भी बुलाते हैं। यहाँ चढ़ी थी मैं 1200 स्टेप्स, तो जाइए मेरे सिगरिया के ट्रैक व्लॉग को भी चेकआउट कर लीजिए। बट इस व्लॉग में मेरा फोकस है वेजिटेरियन खाना ढूंढने में और इको फ्रेंडली स्टे एक्सपीरियंस करने में, तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो मेरे ब्रेकफास्ट की शुरुआत हुई थी विद समथिंग जो यहाँ का एक स्टेबल फूड है, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं रोज, वैसे ही ये लोग यहाँ पर रोटी की जगह खाते हैं हॉपर्स। इनके कई तरीके के हॉपर्स होते हैं, स्ट्रिंग हॉपर्स होते हैं, एग हॉपर्स होते हैं और प्लेन हॉपर्स होते हैं। हॉपर्स बेसिकली इनके स्टाइल का डोसा होता है जो कि चावल के आटे से बना है, एंड चावल के आटे का बैटर बनाते हैं ये। इनके एक स्पेशल कप टाइप होते हैं तवे, जिन पे वो डाल के पतला सा एक डोसा बनाते हैं, उसको ये लोग सांबोल के साथ में खाते हैं। सांबोल इनके लिए जैसे हमारे कचुरमा होता है ना, वो जो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे प्याज और खीरा ये सब कुछ काट के जो बनाते हैं, वैसे ही इनके यहाँ पे, या मतलब इनके यहाँ पे चटनी की जगह वो होता है। और इनकी कई वैरायटी है सांबोल्स की, मतलब आप बैठेंगे तो आप हर जगह नई नई वैरायटी पाएंगे, कुछ कॉमन भी पाएंगे कुछ नई भी पाएंगे। मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, बहुत ज़्यादा तीखा भी होता है, नमकीन भी होता है। तो सुबह जो मैंने ब्रेकफास्ट में खाया वो था प्लेन हॉपर जो चावल के आटे से बना है जैसे कि मैंने बताया, और उसके साथ में मैंने खाया था प्याज का सांबोल, यानी कि वो जो कचुरमा टाइप होता है ना वो खाया था। और उसके अलावा इनके यहाँ पे होटल में मेरे था टोमेटो एंड आनियन सैंडविच, तो मैंने वो प्लेन खा लिया, उसके साथ में फ्रूट्स खा लिए, उसके साथ में मैंने एवोकाडो जूस पिया था, एंड मेरा ब्रेकफास्ट वाज सॉर्टेड। हाबरना ट्री हाउस अम्बसेवाना रिजॉर्ट एक बहुत ही बेहतरीन अपस्केल रिजॉर्ट प्रॉपर्टी है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ आकर आप सच में नेचर में खो सकते हैं। यहाँ हर जगह आपको नेचर फ्रेंडली या नेचर इंस्पायर्ड एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। मानो कि पूरा रिजॉर्ट ऑलमोस्ट सिर्फ नेचुरल एलिमेंट से बना एंड डेकोरेटेड है। ये पूरा रिजॉर्ट ऐसे ही घने पेड़ पौधों से भरा हुआ है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रिजॉर्ट इज दिस ट्री हाउसेस। कैन इट गेट एनी बेटर देन दिस? चलिए आपको इस ट्री हाउस का टूर दूं। ये रिजॉर्ट एक लोकल फैमिली ने एस्टेब्लिश किया है, सो एक्सपेक्ट द मोस्ट ऑथेंटिक श्रीलंकन स्टे एक्सपीरियंस अमिडस्ट नेचर हियर। रूम टैरिफ की बात करूं तो डीलक्स डबल रूम विद बालकनी एंड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट विल कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 5,652 रुपीज पर नाइट ऑन डबल शेयरिंग बेसिस। ऑफकोर्स प्राइसेस सीजन एंड डिमांड के बेसिस पे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट आई थिंक ट्री हाउस एक्सपीरियंस के हिसाब से ये काफी अफोर्डेबल ऑप्शन है। बट कुछ भी कहूँ,
The experience was amazing. यहाँ पर हमें खाना खाने वाले हैं वैरायटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन बोथ अगेन, बट इसकी जो स्पेशलिटी वो ये है कि ये सारा खाना ना चूल्हे पे बनाया गया है, और चूल्हे पे बनाने की वजह से इसमें वो जो स्मोकीनेस है जो आपको रेगुलर अपने तवे पे नहीं आती है वो यहाँ पर मिलेगी। एंड मैंने कल ट्राई किया था यहाँ पर हॉपर बनाने का, बट इतना गर्म चूल्हा होता है मतलब मुझे बार बार डर लग रहा था मेरा हाथ ना जल जाए। तो मैं अब बनाने वाली हूँ एग हॉपर्स, और एग हॉपर्स सबसे पहले कैसे बनाया जाता है ये मुझे सिखाएंगी, मैं इनके साथ साथ बनाऊंगी, मुझे हेल्प करेंगी बेसिकली। और ये हम चूल्हे पे बना रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गैस का यूज़ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आप देख सकते हैं लकड़ी जलाई गई है और चूल्हे पे बनाया जाएगा, तो इसका जो फ्लेवर होता है ना ये और भी बढ़िया तरीके से आता है। तो चलिए बनाते हैं एग हॉपर्स। तो थोड़ा ध्यान से मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा, और इसमें जो ये बैटर है राइस फ्लावर का, ये बैटर लेके मैं, दिख रहा है बैटर? हाँ दिख रहा है। बैटर लेके मैंने इसमें डाला, बहुत गर्म है ये, मोर वन, और इसको ऐसे ऐसे करके मैं गोल गोल घुमा रही हूँ तो ये फैलता जा रहा है। अभी इसको जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला करना होता है। तो अभी ये मैंने ढक दिया है, मुझे नहीं पता था मैं एग हॉपर नहीं बना रही हूँ, मैं वेजिटेरियन हॉपर बना रही हूँ बेसिकली, जो प्रतीक के लिए बन रहा है। इसमें अंडा नहीं है, तो ये सिर्फ प्लेन है, और उसमें राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा डलता है, उसको घोल दिया जाता है, उसका बैटर बनता है, और उसमें शायद ये नमक डालते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं डालते हैं। ठीक है, बनाओ, भूख लगी है। चेक करना पड़ेगा, शुड आई चेक? ओके, या ओके, डन, या। तो ये हो गया है, बनाओ। अभी इसको हम स्क्रेप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये स्क्रेप आएगा नहीं, तेरा तेरा तो आई थिंक शील है। ए मेरा पहला ही यार, मेरे को आज नसीब ही नहीं है खाने का। अरे बन रहा है यार, सब बन रहा है, इतना बढ़िया, ये देखो कितना बढ़िया बन रहा है। अब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो क्या कर सकते हैं, चलो जो भी है बन तो गया ये। और ये मैंने बनाया है वेजिटेरियन हॉपर फॉर प्रतीक। थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत मजा आया चूल्हे पे हॉपर बना के। तो यहाँ पर सारा खाना चूल्हे पे बनेगा, एंड इट्स गोना बी अ वेरी विलेज स्टाइल एक्सपीरियंस। तो वो, और ये आ गया है हमारे लिए पाइनएप्पल ड्रिंक, थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए आ गया है पाइनएप्पल का जूस, ठंडा ठंडा, और ये अभी और लोगों के लिए भी जा रहा है। मैं आपको सामने दिखाऊंगी जहाँ पर अभी खाना बन रहा है, इतना अमेजिंग है। अभी अभी इन्होंने मिक्सी में ग्राइंड करके निकाला है, उसमें आई थिंक इन्होंने काला नमक या कुछ तो नमक डाला, हल्का सा सॉल्टी फ्लेवर है, बट ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। चलिए अब आपको लेके चलती हूँ मैं चूल्हे पर और दिखाती हूँ कि क्या बन रहा है। यहाँ हर चीज फ्रेश सर्व होती है। ये देखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है, इसको बनाना उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ये लेडीज इस स्टाइल ऑफ कुकिंग में एक्सपर्ट है। वीगन फूड मीन्स यहाँ करीज में ग्रेटेड कोकोनट का यूज किया जाता है टू एड रिच क्रीमिनेस फ्लेवर एंड वॉल्यूम। इनको देख के लग रहा था कि कोकोनट ट्रेडिशनली ग्रेट करना बहुत आसान होगा, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये ट्राई करके देखूं। ये लगता है कि
भी इजी है, बट एक्चुअली में इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, पूरा मैन पार्ट लगता है इसमें। देखिए जरा, देखो इतना सा ही निकाल पाई मैं, पर इट्स फन। पूरा दिन यही सारा मैन पावर से खाना बनाते हैं। दिस इज द विलेज लाइफ माय मॉम का। इतनी मेहनत करने के बाद मैंने ब्रेक लिया और सोचा थोड़ा पूर साइड जाकर एंजॉय किया जाए। पूल बहुत इनवाइटिंग था, बट लंच ऑलमोस्ट रेडी था, सो वी ऑल सैट डाउन पूल साइड फॉर सम डिलीशियस वीगन लंच। ये है क्रीमी पम्पकिन करी, जिसे सिनेलीज में वटक्का करी भी कहा जाता है। इसी के लिए हमने कोकोनट ग्रेट किया था एंड इट टेस्टेड रियली गुड। ये है फ्राइड करेले की सूखी सब्जी, जिसे सिनेलीज में करावेला सांबोल भी कहा जाता है। टेक्निकली ये भी एक तरह का सांबोल है, जिसमें काफी ज्यादा फ्राइड करेला यूज किया गया है एंड टेस्टेड गुड। सबसे हेल्दीस्ट करी थी ये बीटरूट यानी चुकंदर की सब्जी, जिसे सिनेलीज में बीटरूट तेल डाला कहा जाता है। मैंने इसे एज अ सैलेड खाया, क्योंकि ये बहुत सिंपल थी एंड अपने में ही फुल ऑफ फ्लेवर्स थी। ये है ब्रिंजल पाही, जो कि डीप फ्राइड बैगन की सूखी सब्जी को कहा जाता है। ये है डीप फ्राइड करेला बोलने वाली थी, करेला, और इसमें साथ में टमाटर डाला हुआ है, प्याज डाली हुई है, बहुत टेस्टी लग रहा है। ये चावल के साथ खाने में भी ना ऐसे नहीं लग रहा है कि ड्राई है, बिकॉज ये बहुत डीप फ्राइड है। और मेरी जो फेवरेट है ना इस पूरे प्लेट में डिश, वो ये बैंगन है, इतने लाजवाब। वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पर कर्ड एंड ट्रिकल का ये स्वीट कॉम्बो डिजर्ट में सर्व किया गया था। वाकई में ये खाना काफी लाजवाब था और मैंने इसे खूब एंजॉय किया। ये खाकर हमने थोड़ा टाइम यहीं पे स्पेंड किया और फिर हम पहुंच गए हाबरना की एक फ्रूट प्लांटेशन में, जहां हमने मीठा कटहल यानी जैकफ्रूट ट्राई किया। ये है मेरा फेवरेट वुड एप्पल जूस, जो मैंने अपने पूरे श्रीलंका के ट्रिप में बहुत एंजॉय किया। इंडिया में इसकी एक वैरायटी गर्मियों में जूस निकालकर पी जाती है, जिसे बेल का शरबत कहा जाता है। श्रीलंकन वुड एप्पल थोड़ा और अर्दीन फ्लेवर और मीठा होता है, जिसमें शुगर की जरूरत बहुत कम पड़ती है। और ये है सार सॉप फ्रूट, जो ओरिजिनली सेंट्रल अमेरिका का फ्रूट है। अगर आप नेचर लवर हैं, तो मैं आपको ये रिजॉर्ट हाईली रेकमेंड करूंगी, क्योंकि यहाँ के एनवायरनमेंट से लेके प्रॉपर्टी डेकोर एंड ट्री हाउस तक सब कुछ इको फ्रेंडली तरीके से डिजाइन किया गया है। और साथ ही आपको होमली श्रीलंकन फ्रेश फ्रूट मिल रहा है, तो इससे ज्यादा ऑर्गेनिक लिविंग और क्या ही हो सकती है। तो क्या आप इस रिजॉर्ट में स्टे एक्सपीरियंस करना पसंद करेंगे, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं अपने डिनर की बात करूं, तो वो मैं ऑलरेडी अपने सिन्वन होटल हाबरना विलेज व्लॉग में कवर कर चुकी हूँ, बट फिर भी आपको उसका एक ग्लिम्स यहाँ दिखा ही देती हूँ। चाहे अपस्केल रिजॉर्ट हो या एक फाइव स्टार प्रॉपर्टी, आपको वेजिटेरियन एंड वीगन ऑप्शंस हर जगह मिल ही जाएंगे इन श्रीलंका। सो टू फाइनली आंसर द क्वेश्चन, श्रीलंका में वेजिटेरियन खाने के ऑप्शंस हर जगह कुछ न कुछ मिल ही जाएंगे, बस पूछने की जरूरत है। हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ की कई ब्रेड्स में एग यूज किया जाता है, तो अगर आप वेजिटेबल सैंडविच लेने का सोच रहे हैं, देन डू आस्क योर सर्वर अगर उसमें एग है या नहीं। मेरे ब्रेकफास्ट ब्रेड में एग नहीं था, तो मैं ये सैंडविच खा पाई थी। अदरवाइज प्लेन हॉपर यानी विदाउट एग वाला हॉपर आपको हर जगह मिल ही जाएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हो श्रीलंका से रिलेटेड या मेरी इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं @insta_apurva। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने वेजिटेरियन फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर करिएगा। श्रीलंकन फूड्स के नाम अगर आप पहले से ही याद या नोट करके चले, तो वेजिटेरियन खाना ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे श्रीलंका की ये जर्नी अभी बाकी है। दिस इज मी अपूर्वा फ्रॉम स्त्रीलॉजी साइनिंग आउट।